जैसा कि आपने वीडियो के फोर्थ पार्ट में देखा कि मौसी की बातों का दीशु के दिमाग पर गलत असर हुआ। दीशु बाहर जाने से बहुत डरने लगी। क्या वह मासूम बच्ची पहले जैसी हो पाएगी? आइए जानने के लिए देखते हैं वीडियो का फिफ्थ पार्ट। मम्मा, कब चले गए हम बाहर? बेटा पता नहीं कितनी देर हो गई, अभी आए क्यों नहीं? बेटा यहीं बैठो, मैं देख के आती हूँ। कोई नहीं बेटा, हम बाहर नहीं जा रहे, ठीक है? परेशान मत हो, नहीं जा रहे बाहर। अभी क्या हुआ, आए क्यों नहीं? हिमांशी एक मिनट आना, जरा कुछ बात करनी है। क्या हुआ अभी, आप चल क्यों नहीं रहे? तुमने कुछ कहा दीशु से? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो फिर वो बाहर जाने से इतना डर क्यों रही है? वैसे ही मना कर रही हूँ कि मन नहीं होगा जाने का। वो वैसे ही नहीं डर रही हिमांशी, अभी एक दिन पहले मैंने उससे पूछा था, तब भी वो ऐसी कह रही थी पापा मुझे बाहर नहीं जाना, और आज भी वो ऐसी कह रही है पापा मुझे बाहर नहीं जाना। पर अभी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सच में उसे कुछ नहीं कहा। हिमांशी मैंने तुम्हें कहा था बच्चों का ध्यान रखा करो, सिर्फ बच्चे हो जाने से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होती हिमांशी, उनका ध्यान भी रखना पड़ता है, केयर भी करनी पड़ती है, समझा करो अपने बच्चों को आप। कहीं ये दीशु सबक ना दे। क्या हो गया जीजू? पता नहीं चालू क्या हुआ इसे, ये बाहर जाने से बहुत डर रही है यार। हाँ टेंशन मत लो, बात करती हूँ इसे। अच्छा देखना जरा, बात करती हूँ। दीशु क्या हुआ बेटा, क्यों डर रही है बाहर जाने से? बेटा डर क्यों रही है? बेटा क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला है तुम्हें? मुझे बताओ। मुझे बाहर नहीं जाना। किसने क्या ही बोला होगा दीदी, कुछ नहीं बोला होगा इसको किसी ने, इतनी प्यारी सी तो है ये। मैं बात करती हूँ, आप जाओ देख लियो। सुन मेरी बात, किसी को ना ये मत कहियो कि मैंने तुझे कुछ बोला है। घर वालों की प्लानिंग थी तुझे बाहर छोड़ने की, अगर मेरा नाम कहीं आया ना तो उल्टा लटका दूंगी। मुझे मैं किसी से नहीं बोलूंगी, याद रखियो बस। तुझे ही सब प्यार करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। दीदी मैं करती हूँ ना आपसे प्यार। दीशु देखो मैं आपका फेवरेट समोसा लेके आई हूँ। ये लो दीशु फटाफट खाओ। मम्मी मेरा मन नहीं है। बट समोसा तो आपका फेवरेट है। मम्मी मुझे नहीं खाना। मम्मी मुझे खाना है। अच्छा बेटा तुझे मैं देती हूँ। कैसे बैठे हो, क्या हो गया? यार चारू मुझे ना दीशु की टेंशन हो रही है। उसे क्या हुआ? यार पहले तो उसने बाहर जाना बंद किया, अब खाना पीना खेलना सब बंद कर दिया, अकेले में बैठी रहती है चुपचाप, और तुझे पता है आज उसने अपना फेवरेट समोसा तक नहीं खाया है। मैं खिला देती हूँ समोसा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देख यार उसको, ले समोसा खा। नहीं नहीं, मैं कह रही थी बाहर से समोसा आया है, खा लो। क्या हुआ बेटा, आप सैड क्यों बैठे हो, खेल नहीं रहे? डैडी कोई खेलने के लिए ही नहीं है। क्यों, दीशु दीदी के साथ खेल लो। नहीं वो आजकल नहीं खेलती हैं। अच्छा दीशु दीदी नहीं खेलती हैं? नहीं। चलो मैं बुलाता हूँ उनको, हाँ फिर तीनों खेलेंगे। दीशु बेटा इधर आना। जी डैडी। बेटा आओ हम तीनों खेलते हैं, आ जाओ। डैडी मेरा मन नहीं है। चलो हम तीनों कैरम खेलेंगे। हाँ डैडी मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तय मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी यार। अभी एक सेकेंड आना। आपने कहा था दीशु के लिए किसी डॉक्टर से बात करेंगे, करी आपने बात? हाँ मैंने करी डॉक्टर से बात, आज बुलाया हूँ घर पे। मुझे दीशु की बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा आप टेंशन मत लो, मैं डॉक्टर से एक बार बात कर लेता हूँ दोबारा। आप दीशु के पास बैठो, मैं बात करके आता हूँ, ठीक है? हेलो अभी, आई एम डॉक्टर अदिति। बैठिए मैम। मैम वो मैंने आपको बताया था अपनी बेटी के बारे में, एक्चुअली वो
ठीक है, आप टेंशन मत लो, आप मुझे बच्चे से मिलवा दो। आइए। मम्मा मम्मा डॉक्टर आया। डॉक्टर आए हैं? हाँ। चलो तो ध्यान रखिए, मैं भी आती हूँ। सुन, मेरा नाम मत ले दियो, बीमारों की तरह पड़ी रही हो। अच्छा ठीक है, आप लोग थोड़ी देर बाहर जाइए, मुझे बच्चे से कुछ बातें करनी है। ठीक है, चारू आ जाओ। हेलो बेटा, आपका नाम दिशु है, आपको खेलना पसंद है? नहीं। अच्छा, तो आपको बाहर जाना पसंद है? नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना। अच्छा ठीक है बेटा, हम बाहर नहीं जा रहे। मिस्टर रवि, देखिए मैंने आपकी बच्ची से बात करी है, उसके माइंड में किसी बात का बहुत ही गहरा असर पड़ा है। ये वही बच्ची है क्या जिसे आप उस दिन ढूंढ रहे थे? हाँ जी मैम, ये वही बच्ची है। हो सकता है बच्ची कुछ दिन घर से बाहर रही है तो उसके माइंड पे इस चीज़ का इफेक्ट पड़ा हो, बट कोई नहीं, उसे थोड़ी अटेंशन और केयर की ज़रूरत है, तो अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है मैम। थैंक यू। पीहू, आज हम कैरम खेलते हैं, ठीक है? वैसे पीहू, दिशु तो हमारे साथ खेलती नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप पूछ लो अगर खेले तो। दिशु दीदी, आप खेलोगी कैरम? चलो पीहू, ऐसा करते हैं, हम चलते हैं खेलने, ठीक है? दिशु दीदी का जब मन होगा तो वो आ जाएंगी खेलने के लिए। चलो। ये पीहू तो कौन से खेलती है? Very good. मानसी देखना, दिशु आ रही है क्या? आ रही, आ रही है। यार वो वापस चली गई। नैना जो सांझ ख्वाब देखती थी, दीदी लो कॉफी पी लो, आप स्ट्रेस लग रहे हो। नहीं चारू, मेरा मन नहीं है, पता नहीं मेरी बच्ची कब ठीक हो। दीदी भी बहुत परेशान हो गई है, पता नहीं क्या ही हो गया इस घर में। दिशु बैठी है, अकेली ट्राई करती हूँ खेलने का। अभी चलो खेलते हैं। हाँ चलो खेलते हैं, खेलोगे? डैडी मैं सोने जाऊँ। कुछ खाएंगे आप? बना दूं? पीहू क्या हुआ बेटा? मौसी मौसी, दीदी ना मेरे साथ खेलती, मेरे उनको ठीक करो ना। मौसी मौसी, दीदी कब ठीक होंगी? अभी हम भगवान से प्रेयर करेंगे, दिशु दीदी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भगवान जी मेरी दिशु दीदी को ठीक कर दो। मेरी वजह से सब खराब हो गया, अपनी बहन के घर में मैंने अजीब सा माहौल क्रिएट करवा दिया, उस बच्ची की क्या ही गलती थी, क्या ही कर दिया। मुझे ही ठीक करना पड़ेगा आप सब। मेरी वजह से दिशु की क्या हालत हो गई है? मुझे मैंने कुछ नहीं करा। डरो मत, आ मेरे पास बैठ।
दिशु मेरे से बहुत गलती हो गई है, प्लीज अपनी मासी को माफ कर दे। और बिल्कुल किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे कोई कहीं नहीं छोड़कर आएगा। सब तेरी मासी की गलती थी, जो तेरी मासी ने तुझे हर्ट किया, अब ऐसा मासी कभी कुछ नहीं करेगी। और जितना प्यार मैं पीहू से करती हूँ उतना अब तुझसे भी करूंगी, तू भी मेरी प्रिंसेस है जैसे पीहू है। अब तो ठीक है ना, अब तो किसी से कोई डर नहीं लग रहा। डैडी बाहर घूमने चले। चलो फिर चलते हैं घूमने। हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और जो हमारे चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज। बाय।